देखो आई से स्टार्ट करना है अपन को, तो सबसे पहले क्या करो, आई के मेजरमेंट लो। अब देखो ये टिप है, ये टिप बीच में है, ऐसा नहीं किसी लाइन पे है या पॉइंट पे है। तो ये कैसे होगी टिप, तो ये है 1.5 सेंटीमीटर ऊपर इस लाइन से, और ये है 0.3 सेंटीमीटर लेफ्ट राइट इस लाइन से। वही सेम मेजरमेंट में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, और 0.3 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट, वो जो अपन यू शेप बनाते ना, यू शेप की टिप ये रही, ठीक है। अभी कितने सेंटीमीटर पे क्रॉस कर रहा है इस लाइन को, वो है 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लाइन से कितने निकल रहा है, 0.6 सेंटीमीटर ये ऊपर गया। मैंने क्या बोला, एक हाथ उंगली रखो और ऊपर ऊपर फॉलो करो, जिस जिस लाइन से निकलता जाए उसके मेजरमेंट्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना ऊपर है, यहाँ से है 0.4 सेंटीमीटर, इससे कितना ऊपर है, इससे है 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहीं पे इसके थोड़े आगे जाके एंड पॉइंट है अपना, देख सकते हो ये एंड पॉइंट। अब नीचे आते हैं, तो नीचे इधर से निकले और यहाँ से, अब देखना दो कर्व है, या तो एक आंख वाला या और ये नीचे आईलैशेस वाला, तो ऊपर वाला बनाओ, ठीक है। नीचे वाला तो अपन बाद में कवरिंग में बना देंगे, उसे ऊपर वाला बनाओ, ये वाला। इसकी लेंथ देख, इसका मेजरमेंट निकालते हैं, इसका निकलता है 0.3। देखो मेजरमेंट सिर्फ एक टूल है, बेसिकली तुम लोग को आता है कि बनाना कैसे, ओके। तो इसको देखो, बस एक गलती मत करना कि बहुत चपटा और लंबा सा उल्टा सीधा शेप नहीं बनाना, जैसा इसमें दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अपन को आई की टिप यहाँ से ऊपर उठता हुआ आया, ठीक है, उठा, यहाँ से थोड़ा फ्लैट हो गया ऐसे, इस तरीके से। तो इस तरीके से बनता है अपर कर्व। अब लोअर कर्व के लिए ये थोड़ा आगे आया, यहाँ से तुम देख सकते हो जो आई का और टिप का पार्टीशन होता है, वो कर्व आया यहाँ से, और ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे ऊपर जाके मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी आई का शेप बन जाता है। धीरे से उठाइए और अब यहाँ पे अंदर का देख लो, इस तरीके से अपन ने बना लिया। ये बाहर का एक हल्का सा कर्व आएगा, जो आई लैशेस वाला पोर्शन रहता है ना, एक हल्का सा कर्व यहाँ पे, जो ऊपर का दिख रहा है अपन को, ऊपर जो डार्क डार्क पार्ट है वो बनाएंगे ऐसे। इसके बाद अंदर की जो आयरिस है उसे ड्रॉ करो। देखो आयरिस के जो कर्व है ढंग से बनाना, ऐसा नहीं कि एक कर्व बहुत ज्यादा गोल हो गया और एक एकदम स्ट्रेट लाइन सा, ये हुआ। फिर इसके अंदर प्यूपिल बनाई अपन ने, ठीक है। इसके ऊपर की एक और कवरिंग आ रही है इस तरीके से, ओके। ये नीचे की जो कवरिंग है इसके मेजरमेंट निकाल लेना कि कहाँ से क्रॉस कर रहा है, पता चला बहुत ज्यादा नीचे कर दो या बहुत ऊपर कर दो, शेप बिल्कुल सही रखना है इसका, इस तरीके से। जो हल्के हल्के आईलैशेस दिख रहे हैं वो अभी बनाना चाहो तो बना लो, और बाद में भी बना सकते हो जब शेडिंग करेंगे इसमें। तो इस तरीके से राइट आई बन जाती है अपनी। देखो तो लेफ्ट आई का क्या होगा, इसकी भी टिप ऐसी हवा में बीच में कहीं पे, तो वो देखो ये है 1.4 सेंटीमीटर इस लाइन के ऊपर, और 0.4 सेंटीमीटर राइट इस लाइन के। तो वही सेम जो है मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, तो मैं मार्क करा 1.4, ठीक है। तो मैंने यहाँ मार्क किया 1.4 और 0.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये। अब तुम देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट से ये ऊपर की तरफ गया, ये दिख रहा है ना, तो ये कितना है इस लाइन से, कितना नीचे है ये, इस लाइन से है ये 0.2 सेंटीमीटर नीचे, 0.2 सेंटीमीटर नीचे है। तो मैंने यहाँ पे उसे मार्क कर लिया, ओके। अब आगे बढ़ेगा तो एंडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये एंड पॉइंट जो है, देखना ये ऊपर वाली लाइन को टच भी कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो ये एंड पॉइंट जो है वो है 1.6 सेंटीमीटर ऊपर और 0.4 सेंटीमीटर राइट। तो 1.6 सेंटीमीटर ऊपर और 0.4 सेंटीमीटर राइट, ठीक है। और नीचे वाला पॉइंट भी देख लो, ये जो लाइन से निकल रहा है ना नीचे, ये
इसका मेजरमेंट भाग ना ध्यान देना 0.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ 0.8 पे मार्क किया मैंने। अब एक चीज और है, आंखें बहुत बड़ी ना हो जाए, ये वाला जो नीचे का कर्व है ऐसे लटका हुआ ना हो जाए, उसके लिए क्या करो एक मेजरमेंट लो कि सबसे नीचे कहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ जैसे नोज के बेस की ली थी ना, वैसे आई के बेस की भी ले लो। तो इस तरीके से ये पूरे आई की मेजरमेंट्स आ गई। अब बस अपन को शेप पे ध्यान देना है। तो यहाँ देखो, यहाँ से उठे अपन ने कर्व जो टिप रहती है, टिप बनाई। टिप ऐसे बहुत बड़ी नहीं है, ये टिप छोटी सी बनी इतनी, और ये ऊपर की तरफ आ गई, ठीक है। फिर ये ऊपर से कर्व लाओगे। मैंने क्या बोला, ये कर्व जो है ये ऊपर टच कर रहा है इसे, और फिर ये यहाँ नीचे की तरफ आ गया, ओके। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, ये बेस यहाँ पे है, ठीक है। आज इस बेस से थोड़ा ऊपर रखना, क्योंकि ये जो बेस लिया है मैंने, वो जो आईलैशेस वाला कर्व है उसको मिला के भी लिया था, इससे मैं थोड़ा ऊपर रखूँगा और वो आके यहाँ आ जाएगा। इसके बाद मैं एक और कर्व बनाऊँगा हल्का सा, ये वाला कर्व इस बेस को टच करेगा। फिर यहाँ से जो थोड़ा डार्क सा दिख रहा है ना, ऐसे आईलैशेस सी जा रही हैं पीछे की तरफ, ऊपर का हिस्सा थोड़ा डार्क है। फिर आई और टिप को सेपरेट कर रहा है ये वाला पोर्शन, ऐसे थोड़ा ये बनाया। इसके बाद ही जो आई के ऊपर की कवरिंग रहती है, याद रखना इसे मिला मत देना एकदम आईब्राउ से, ये आएगा आई के सामने एक कर्व आएगा और आई के नीचे एक कवरिंग आएगी। और ये सब बहुत डार्क मत बनाना, पता चला कुछ गलती हुई तो उसे इरेज ना कर पाओ फिर बाद में, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ बचती है आयरिस। अब आयरिस एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ हम बीच में है, तो क्या करो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है 0.9 सेंटीमीटर, और एंड कहाँ पे हो रहा है ये दूसरी साइड वाला, वो है 1.8। पॉइंट नाइन और 1.8 मतलब 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मार्क करो, ये जो दो मार्किंग्स हैं वो किस लिए हैं, क्योंकि एक कर्व यहाँ से आएगा, स्टार्ट होगा यहाँ से आना, और दूसरा कर्व यहाँ से स्टार्ट होगा आना, ओके। और फिर ये बीच में प्यूपिल अपनी आ गई। ये मेजरमेंट जरा ढंग से लेना। तो अब लिप्स करना है अपन को, तो सबसे पहले लिप्स में देखो कौन कौन से मेजरमेंट चाहिए होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो अपन का जो वी शेप यू शेप रहता है ना, उसके तीनों पॉइंट, 1, 2, 3, फिर बीच में जहाँ पे भी निकल रही है टच कर रही है वो वाले पॉइंट, और एक एंडिंग पॉइंट। लोअर लिप में ये जो बेस है वो कितना ऊपर है इस लाइन से, और ये वाले पॉइंट्स, बीच वाले कर्व में ये वाले पॉइंट्स। तो समझ रहे हो, अपने पास प्लेंटी ऑफ पॉइंट्स रहेंगे तो अपना इसमें बहुत बढ़िया बनेगा। बस पॉइंट्स लेना है अपन को, तो सबसे पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, लिप का। तो ये है 1.5 सेंटीमीटर ऊपर और 0.3 सेंटीमीटर लेफ्ट, कौन सी लाइन के, लाइन 10 और 5 के। तो 10 से कितना ऊपर है, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर है, और यहाँ से ही चालू हो रहा है लिप अपना, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बनाया था एक बीच में लाइन, तो उसका भी मेजरमेंट देख लो, वो 0.2 सेंटीमीटर है, तो उसे मार्क करा अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ से वी शेप आता, यू शेप आता है अपना, और यहाँ टच करेगा, ठीक है, इस पॉइंट को, और फिर एंडिंग पॉइंट अपना यहाँ आएगा। तो एंडिंग पॉइंट कितना रहेगा, ये एक बात ध्यान रखना स्ट्रेट नहीं है, तो लेवल पे नहीं आएगा, ये थोड़ा ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो एंडिंग पॉइंट है अपना ऊपर से 0.3 सेंटीमीटर और यहाँ से 1 सेंटीमीटर राइट, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर राइट और 0.3 सेंटीमीटर नीचे, तो ये अपर लिप, और यहाँ पे टच कर रहा है वो, ओके। अब लोअर लिप के मेजरमेंट्स देखते हैं, तो लोअर लिप के मेजरमेंट्स देखो, यहाँ कहाँ से निकल रहा है, 1.1 सेंटीमीटर से निकल रहा है, तो 1.1 सेंटीमीटर से निकल रहा है। फिर कितने ऊपर बेस है, अब देखना बेस स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा स्लांट में है, तो एक हिसाब से लेना कि यहाँ पे है 0.8, तो वो 0.8 पे स्ट्रेट नहीं चलेगा बेस, ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मेजरमेंट लो, वो है 1.2 यहाँ से,
यहाँ से ये 1.2 है, देख सकते हो थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, ऐसे टेढ़े में जाएगा ये, और फिर ये अपना ऊपर की तरफ आ जाएगा। दो मेजरमेंट और बचते, ये जो बीच वाला पार्ट पोर्शन है 0.4 और 0.3, ठीक है। देखो 0.1 मिलीमीटर का डिफरेंस है, लेकिन वो दिखना चाहिए अपन को 0.4, 0.3। अब यही चीज़ में गलती मत करना, पता चला अपर लिप और लोअर लिप में डिफरेंस है, ठीक है इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि अपर लिप गायब हो गया, लोअर लिप ही दिख रहा है। तो अब देखो ये अपन ने पॉइंट्स ले लिए हैं, ठीक है। तो अब शेप ज़रा ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ से आता है, ऐसे ऊपर की तरफ आया, तो शेप मैं ऐसे फॉलो करूँगा। देखो ऊपर की तरफ आया, थोड़ा सा आगे निकला, यू शेप ऊपर टच करा, हल्का हल्का इसके साथ चला और नीचे आ गया। क्या क्या कहा मैंने, ऊपर आया, थोड़ा आगे बढ़ा, ये रहा इसका यू शेप, ठीक है। इधर पे टच करा इसने, थोड़ा थोड़ा साथ चला, फिर यहाँ कर्व होते होते नीचे आया, ठीक है। ये पूरा हिस्सा जो रहेगा सब वो कर्व रहेगा। अब लोअर का आते हैं, तो यहाँ से नीचे आया, ये बेस थोड़ा टेढ़ा है, बहुत ज़्यादा मत कर देना कि ऊपर की तरफ भाग रहा है, धीरे सा धीरे से लाना है, स्लांट है थोड़ा सा, और फिर ऊपर की तरफ कर्व, ओके। मैं क्या बोला, मैंने नीचे की तरफ आया ये हल्का सा, फिर यहाँ से इसने स्लांट बेस बना एक स्लांट, और फिर जैसे थोड़ा इस लाइन के आगे निकला और ये ऊपर की तरफ ये कर्व हो गया। ठीक है, अब बचता है बीच वाला पोर्शन। तो बीच वाले पोर्शन में अपन को पता है, पहले तो ये जो यू शेप रहता है, वी शेप रहता है, उसके जैसा एक और नीचे रहता है, तो ये नीचे आया, इस लाइन से निकला और ऐसे कर्व के साथ, देखना स्ट्रेट नहीं है ये, हल्का सा कर्व ही रहेगा, ठीक है, हल्का कर्व रहेगा। ये भी यहाँ से हल्का सा कर्व के साथ ज्वाइन होगा इससे, तो ये गलती मत करना कि एकदम स्ट्रेट लाइन के साथ कर दो, हल्का सा कर्व के साथ होएगा, ओके। इसको भी मैं थोड़ा दोबारा बनाता हूँ, हल्का सा कर्व के साथ, ओके। ये बहुत मोटे नहीं करना, स्ट्रेट आएंगे और हर कर्व एक कर्व के साथ ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लिप्स बन जाते हैं। लिप्स में ये लेना बेस, ये नीचे शेडो आ रही है वो मत लेना, तो पहले इतना बना लो। तो फिर अपने आईज नोज लिप्स हो गया, फेस की आउटलाइन करते हैं। तो फेस की आउटलाइन के लिए देखो चिन से स्टार्ट करते हैं, या तो ऊपर से कर लो फोरहेड से, या चिन से कर लो, अपन चिन से करते हैं। तो चिन देखो यहाँ से पहले लेफ्ट साइड वाला बनाएंगे, फिर राइट साइड वालों के मेजरमेंट लेंगे और फिर सबको ज्वाइंट करेंगे। तो ये कितना नीचे है, ये आया 0.7 सेंटीमीटर नीचे, तो ये चिन है 0.7 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये कर्व है हल्की सी, मैंने डिफरेंस बता रखा है एक स्ट्रेट लाइन और एक हल्के कर्व के बीच में, ठीक है। अब ये देखो लेफ्ट साइड वाला पहले बनाएंगे, तो यहाँ लेफ्ट की तरफ मुड़े तो ये आया 0.7 सेंटीमीटर। मैं क्या बता रखा हूँ कि एक उंगली रखो, ठीक है, ऐसे चलते जाओ, रास्ते में जितनी लाइन और पॉइंट्स को क्रॉस करे वो सेम चीज़ अपने रेफरेंस से शीट में मार्क कर लो, स्केचबुक में मार्क कर लो। अब देखो जैसे समझ में नहीं आ रहा है ऐसे मुझे यहाँ पे, तो ये है, ठीक है, ये है, तो मुझे इसका देखना है कि कितना नीचे है इस पॉइंट से। तो ये कितना नीचे है, ये है 1.5 सेंटीमीटर नीचे, तो मैं इसे यहाँ मार्क करूँगा, ओके। देखो धीरे धीरे मैं मार्क करता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत ड्रॉ करता जा रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब मार्क करूँगा तो एक फ्लो आएगा ड्रॉ करने में, वो फ्लो चाहिए। अगर मैं एक एक सिर्फ चिन, फिर जॉ लाइन, फिर चीक्स, फिर फोरहेड बनाऊं तो वो गड़बड़ रहता है, एक बार सबके मेजरमेंट होने चाहिए मेरे हाथ में, ठीक है। तो और ये आया ऊपर का, ये आया 1 सेंटीमीटर। और एक चीज़ ध्यान रखना, गलती क्या कर दोगे, गड़बड़ आ जाओगे कि कहाँ का मेजरमेंट ले रहे, पता चला यहाँ का मेजरमेंट लेके यहाँ कर दिया तो एक ब्लॉक गायब हो गया बीच में से, वो नहीं करना। देख सकते हो अब जैसे ये वाला है 5.8, ये इस पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है, सॉरी 4.8, ऐसे पढ़ने में भी मिस्टेक हो जाता है, ये 4.8 यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से हल्का सा कर्व होते हुए आई की तरफ आया और फिर ऊपर गया, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऊपर चला गया, तो हल्का सा आई की तरफ आया, ये है 0.4 सेंटीमीटर, तो 0.4 सेंटीमीटर यहाँ मार्क किया, फिर यहाँ से गया तो कितना बाहर की तरफ है 0.5, तो वो 0.5 यहाँ मार्क करा मैंने, ठीक है, यहाँ से निकलेगा ये आईब्रो जो एक्स्ट्रा निकल ली होगी ना लेफ्ट साइड की, वो इरेज करनी पड़ेगी। फिर यहाँ से निकला आईब्रो के ऊपर से 0.5, 0.5,
ठीक है, फिर इसके नीचे से गया ये यहाँ, और अब ये गया यहाँ से मार्क किया अपन ने, ये देखना कर्व है। अब शेप पे भी ध्यान देते जाओ कितना नीचे है, ये है 1 सेंटीमीटर नीचे, ये देखो। तो ये अपने लेफ्ट साइड के सारे मेजरमेंट्स आ गए हैं। ओके, इमेजिन करो कि इन सबको ज्वाइन करें, अब ऐसे नहीं कि कर्व के साथ ज्वाइन कर दो, जिस तरीके का अपन को दिख रहा है उस तरीके से करेंगे। अब राइट साइड वाले पे आ जाओ, तो पहले ये बताओ कि लेफ्ट साइड वाले समझ में आए कि नहीं आए। तो अब राइट साइड वाले पे करते हैं, तो राइट साइड में अपन ने यहां तक था चिन्ह पे अपना, अब अपन करते हैं। तो यहां बड़े अपन आगे, तो यहां से अपन ने क्या किया, ये है 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर यहाँ आया। तो ऐसे कर्व करते करते ये यहाँ पे बढ़ेगा धीरे धीरे, तो ये 1.4, ये वाला भी 1.4। एक बात ध्यान रखना, कोई ब्लॉक गायब मत कर देना, पता चला तुमने बीच का एक ब्लॉक गायब कर दिया, तो वो नहीं होना चाहिए। लिप के इस साइड वाले पे क्या मेजरमेंट आएगा, ये आएगा 1.1, तो यहाँ पे 1.1 हो गया। फिर अब यहाँ से ऊपर की तरफ गया, इसका क्या आया, 1.6 आया, तो 1.6 आया। ये अब देखना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आ गया, ये यहाँ टच करेगा ऊपर जाके, इसे देखो टच करा हुआ इस लाइन को, जो पूरी स्ट्रेट लाइन है ये लगभग लगभग इसे पूरा टच करा हुआ है, हल्के से, ऐसा नहीं स्ट्रेट लाइन बना देंगे, हल्का सा जो कर्व दिख रहा है ना अपन को, वो कर्व बनाएंगे अपन। तो ये कर्व बना के क्या होगा, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से दोहरे बाल जा रहे, एक ये और एक ये, तो पहले जो हल्के से जाते हुए दिख रहे हैं ये बना दो, फिर ऊपर से जो आ रहे हैं ये, ये बना दो। ओके, अब ये ऊपर का दिख रहा है, इसके मेजरमेंट और ले लो, तो ये बात है 1.2, तो ये 1.2 यहाँ आया। तो अब अपन को सारे मेजरमेंट्स मिल गए हैं, ठीक है। ये जो बनाए हैं मैंने ऊपर, ये हल्के हल्के इस तरीके से बना लेना, इनके पॉइंट्स की जगह इन्हें डायरेक्ट थोड़ा ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो पॉइंट समझ में आए दोनों साइड के, तो अब अपन ने कर तो लिया, अब अपन को ज्वाइन आना चाहिए। मैंने क्या बोला, एक चीज़ का ध्यान रखना, चिन का जो विथ है यहाँ से लेके थोड़ा यहाँ तक एक समझ लो कितनी है अपन की, 1.5 है लगभग लगभग, ठीक है, 1.5, जिसमें से 0.7 यहाँ पे रखो अगर, तो यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब देखना, मैंने ये मेजरमेंट ले तो लिया चिन का, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं है, वो कर्व है, तो मुझे कहाँ से उसे ऊपर कर्व भेजना स्टार्ट करना है। तो जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगी, ये यहाँ पे हल्का सा यहाँ रहेगा, फिर यहाँ पॉइंटेड सा ऊपर जाएगा। तो पहले लेफ्ट साइड बनाता हूँ मैं, तो पहले चिन बना लो ऐसे, ठीक है, यहाँ पे है, जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करा ये ऊपर की तरफ जाने लग गई। अब लेफ्ट साइड पे आते हैं, तो लेफ्ट साइड देखो ये थोड़ा स्ट्रेट है, थोड़ा सा ये हल्का सा यहाँ पे एक बाहर की तरफ कर्व है, लेकिन मोस्टली स्ट्रेट है ये। तो ऐसे इस लाइन को ज्वाइन करो, इस लाइन को ज्वाइन करा, इस लाइन को ज्वाइन करा, आगे बढ़े। अब एक ऐसे नहीं कि एकदम रुक जाओगे, यहां से ऊपर की तरफ जाओगे अब, ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ जाओगे, तो अपन यहाँ पे आए और यहाँ से ऊपर की तरफ आ गए यहाँ पे। अब हल देखो पॉइंटेड नहीं रहेगा ये, हल्के से कर्व के साथ होगा ये जॉइन ऊपर की तरफ। ये जो हल्का सा शेडेड पोर्शन दिख रहा है वो अलग चीज है, ठीक है, यहाँ से एक आ रहा है कर्व अपना, ये यहाँ जॉइन होते हुए वो जो शेडेड पोर्शन है उसकी तरफ निकल रहा है ये आगे। तो ये दो चीजें हो गई, एक ये बाहर की तरफ वाला और एक हल्का शेडेड पोर्शन वाला, ठीक है। अब ये वाला जो कर्व आता है, ये वाला जो कर्व है, ओके, ये वाला कर्व कैसा है, हल्का सा आई के पास आ रहा है, जैसे जो आई का लेवल है, जैसे यहाँ से कर्व निकला आई के साथ है ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आई के साथ। देखो अभी शेप आने लगा चेहरे का, ये अंदर की तरफ आएगा हल्का सा कर्व, ये कर्व यहाँ पे आएगा, फिर हल्के से कर्व के साथ दोबारा बाहर निकलेगा, और ये वाला पूरा एक सिंगल कर्व है, यहाँ से एक बार बाहर निकला तो इस तरीके से। बहुत ज़्यादा एक बात ध्यान रखना, पूरा एक सी शेप नहीं बना देना, हल्का सा स्ट्रेट और हल्का सा कर्व, यहाँ ऊपर की तरफ आया और ये यहाँ ख़त्म। तो ये लेफ्ट साइड वाला फेस का शेप अपन ने ड्रॉ कर लिया। तो अब देखो राइट साइड पे आते हैं,
तो ये अपन ने कर लिया था, ये थोड़ी यहाँ पे पॉइंटेड सी थी जो चिनावी। अब ये देखो कर्व होते हुए जा रही है और ये स्ट्रेट है, इतना पोर्शन स्ट्रेट है। और यहाँ से इस लाइन से थोड़े नीचे से ऊपर की तरफ गया तो ये जो जॉ लाइन आती ना अपनी, ये यहाँ पे पॉइंट है अपना। तो यहाँ धीरे धीरे मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे कर्व होगा जैसे इन इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट आएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जस्ट इस पॉइंट के नीचे से वो आएगा, यहाँ से कर्व जो है ये ऊपर की तरफ मुड़ गया, ये वाला जो कर्व अपनी स्ट्रेट लाइन आ रही थी कर्व के साथ ऊपर की तरफ मुड़ गई। अब ये इसे ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ये हल्का सा स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं चल रहा कि क्या कहते हैं एकदम स्ट्रेट बना दो तुम लोग। तो इसे थोड़ा हल्का सा कर्व थोड़ा इस लाइन के राइट साइड निकालो, फिर ये थोड़ा अंदर की तरफ आया, फिर हल्का सा कर्व के साथ आया, ठीक है। और फिर ऊपर से ज्वाइन करो, ऊपर से देखो एक अपवर्ड फेसिंग कर्व है और हल्के से कर्व के साथ यहाँ ज्वाइन हो गया ये जो अपन ने बनाए थे ना, तो इसके साथ अपना फेस का शेप ड्रॉ हो जाता है। तो पहले इतना बना लो आप। अब ईयर्स पे आ जाओ, तो ईयर कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अपना ईयर यहाँ से आ रहा, तो मैं ये बिना मेजरमेंट के बना रहा हूँ, तुम लोग को मेजरमेंट के साथ ही बनाना होगा, ठीक है। ये ईयर आ रहा है यहाँ से पूरा ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऊपर तक कर्व होते हुए, यहाँ से ये बालों का एक कर्व आया और ऐसे ये ज्वाइन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ईयर बन जाते हैं, बाकी का जो अंदर का है वो अपन शेडिंग के टाइम हैचिंग के टाइम करेंगे। अब जरा ये बाल देख लो, नेक तो तुम लोग को घर पे बनाना है, होमवर्क ये है कि ये नेक बनाओ, ठीक है। और बाल का एक राइट साइड थोड़े से बाल मैं बता रहा हूँ, बाकी के खुद बनाने हैं ताकि मुझे भी समझ में आए कि कुछ सीखा है, ओके। तो बाल देखो अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाल इस पॉइंट से नीचे से है 7.3, 7.3 का है यहाँ पे है, तो यहाँ से ऊपर उठते हुए नीचे की तरफ कर्व आएगा एक। देखो ये मेजरमेंट इतने अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन से पॉइंट के कितने ऊपर हैं कितने नीचे हैं। तो जैसे इस पॉइंट के थोड़े ऊपर हैं, इस पॉइंट के थोड़े नीचे हैं, तो बस शेप तो मैं ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट और बहुत ज़्यादा कर्व ना कर दो। कान के पास से अब देखना यहाँ पे आया और जैसे ही कान के पास से निकला टर्न हो गया, ये थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे कर्व हो गया, ओके। इस तरीके से ये बाल की आउटलाइन आ गई, ठीक है। ये तो बालों पूरी आउटलाइन है। अब एक 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 की जो आउटलाइन है वो कैसे आएगी, जैसे ये देखो इसकी दिख रही है ये ग्रुप है, ये कितने पे है 9.9, 9.9 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस तरीके से कर्व करते हुए, ठीक है, इस तरीके से कर्व करते हुए मैं नीचे नीचे के जो हेयर स्ट्रैंड दिख रहे हैं ना सिर्फ वो बना रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ से देखो जैसे कान के नीचे से आया ये, ओके, तो यहां से कर्व करते हुए आया एक, फिर यहां से ये आया। एक बात ध्यान रखना, नीचे आते आते पतले हो जा रहे हैं ये, तो मोटे मत छोड़ देना, पता चला मोटे छोड़ दिए एकदम बीच में। इस तरीके से कर्व आ रहे हैं, ये बीच में जो कटे हुए दिख रहे हैं ना पीछे ऐसे, बस यहाँ पे इतने। तो इस तरीके से हेयर्स बना लेना, ये जो बीच में लाइंस दिख रही हैं, जैसे ये देखो ये यहाँ से आ रहा है कर्व होते हुए, ईयर को टच करा, ईयर के साथ आ रहा है ये इस तरीके से, और ये देख सकते हो नीचे यहाँ ज्वाइन हो गया इस तरीके से। बाल सेपरेट सेपरेट जितने देखो जो बन रहा है जितना उतना करो अभी, बाकी तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।